हेलो दोस्तों, मैं राकेश हिजा एक बार फिर हाजिर हूँ आईपीओ रिव्यू लेकर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ की। रोलेक्स रिंग्स का जो आईपीओ है वो थोड़ा हटके है, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अगेंस्ट है, इसके फेवर में है, दोनों चीज़ें हैं। तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें हमको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं राकेश हिजा ट्रेडिंग सिस्टम तथा ग्रोथ फैक्टर कैपिटल सर्विसेज LLP की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं रिव्यू के लिए। तो इसके कंपनी के लिए क्या है जो इसके फेवर में जाता है, क्या है, कौन सी बातें हैं जो इसके पक्ष में जाती हैं, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि ये जो कंपनी है ये इंडिया के सबसे टॉप 5 बड़ी कंपनियों में शामिल है। मतलब इसके पास में काफ़ी बड़ा इनका क्या मतलब जो कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है और अच्छा खासा इनका इनका जो हिस्सेदारी है इस मार्केट में। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये लोग जो बना रहे हैं वो जनरली रोल फोर्जर मशीन बेरिंग, जो जो बेरिंग बनती है, बेरिंग के जो पार्ट्स बनते हैं, जो हम लोग ने देखा कि जो हम चाहे ऑटोमेटिव है या जहाँ भी ये बेरिंग्स लगती हैं, वो बेरिंग्स बनाने के लिए जो रिंग्स और जो पुर्जे लगते हैं, उन पुर्जों को ये बेसिकली ये कंपनी बनाती है। और ये जो इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पैसेंजर व्हीकल हो, टू व्हीलर्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, रेलवेज है और इंडस्ट्रियल मशीनरीज हैं, मतलब सब जगह आप ये यूज़ होते हैं। तो इनका जो बेस है, कस्टमर बेस है, काफ़ी मतलब बड़ा है और अच्छा खासा फैला हुआ है। अगर इनके कस्टमर को हम लोग देखेंगे तो ये करीब करीब 17 कंट्रीज में इनका मतलब बिजनेस फैला हुआ है। और यहाँ करीब करीब 60 से ज़्यादा इनके पास में अच्छे बड़े कस्टमर्स हैं। कुछ अगर हम लोग देखेंगे जिसमें SRF, शैफलर और टिमकेन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अगर और एक अच्छी बात इनकी देखी जाए तो जो इसमें का एंकर इन्वेस्टर का जो पार्ट है, जो टोटल जो आईपीओ है, आईपीओ का जो एक पार्ट है जो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होता है, एक होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और एक QIB। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स का पार्ट है वो इसमें से पूरा भर गया है और 219 करोड़ ऑलरेडी जो मतलब एंकर इन्वेस्टर्स मतलब म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, उन लोग ने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये इसके लिए काफ़ी मतलब पॉजिटिव बात है, क्योंकि कई बातें जो जनरली डिस्कस नहीं होती या आपको पता नहीं होती, जबकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर कई बातें ये हमको नहीं पता होती है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत बारीकी से कंपनी के आज के बिजनेस को तथा आने वाले बिजनेस को चेक करते हैं और उसी के बाद में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक ये थोड़ा मतलब पॉजिटिव बात है कि भाई उन लोगों ने इस कंपनी पे भरोसा किया है। उसी वक्त अगर हम लोग इसके अगेंस्ट जाने वाली बातों की चर्चा करते हैं तो उसमें से एक सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी 2013 में भी डिफॉल्ट कर चुकी थी सत्ता था, और ये 2018-2019 में भी ये भी एक बार डिफॉल्ट कर चुकी है। और उस समय इसका जो रेटिंग था माइनस रेटिंग में पहुंच गई थी ये। तो ये काफ़ी इसका नेगेटिव फैक्टर है। ये बिजनेस जो है, ये कंपनी है, ये फैमिली रनिंग बिजनेस है। फैमिली रनिंग बिजनेस का मतलब होता है कि एक्चुअली जितने भी बड़ी पोस्ट पे जो लोग हैं वो सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक ही फैमिली से बिलोंग करने के वजह से ये जो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसमें इतना प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है। कंपनी जो फैमिली है वो काफ़ी पुरानी मतलब बहुत दिनों से ये बिजनेस रन कर रही है, इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन फाइनली एक फैमिली रन कर रही है, ये एक थोड़ा निगेटिव फैक्टर मुझे लगता है। अगर इसको हम लोग ये देखें कि निगेटिव चीज़ और एक मुझे जो दिखाई देती है कि इसी कंपनी के अपने प्रमोटर्स ने अपने नाम खुद ही करीब करीब 26,30,000 के शेयर केवल 10 रुपए में खुद को अलॉट कर दिए थे एज अ राइट इशू केवल 3 महीने पहले। तो ये उन्होंने अपनी खुद की जो
इक्विटी है वो 10 रुपए के रेट पे बढ़ा के रखी हुई है, जबकि अब ये चीज वो मार्केट में 900 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये एक मेरे लिए काफी निगेटिव बात होती है। और दूसरा चीज हम लोग अगर इसके देखेंगे तो फिनेंशियल्स भी कोई इतने खास नहीं है, जबकि इनफैक्ट निगेटिव है। तो फिनेंशियल्स को भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि अगर हम लोग 2018, 19, 20 तीनों साल के अगर तीन चीजों पे भी हम लोग गौर करते हैं, एसेट, रिवेन्यू और प्रॉफिट, तो तीनों भी मायने में एसेट 803 करोड़ से अब 671 करोड़ तक आ चुकी है। रिवेन्यू जो है वो 792 से लेके अब 225, डेफिनेटली ये 225 ये केवल 6 महीने का है। अगर हम लोग इसको डबल करते तो तब भी ये 5.5 मतलब 550, 450 करोड़ ही होगा, तब भी ये बहुत कम है। तो रेवेन्यू कंटिन्यूस घट रहा है और जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग देखेंगे 72 से 52, और 25 को भी अगर हम लोग वापस दुगना करते हैं तो फिर से ये 52-53 करोड़ के आसपास ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाए। तो हम लोग ये देखेंगे कि रेवेन्यू भी पिछले 4 साल में घटते हुए आए हैं, और टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी काफ़ी घटा हुआ है। लेकिन जो मज़ेदार बात यह है कि रेवेन्यू जो घटा है हम लोग अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़े लेवल पे घटा हुआ है। तो ये जो फाइनेंशियल्स है पिछले 3 साल के, अगर हम लोग ये इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि भाई चूंकि पिछले 4-5 सालों से इंडिया में एक रिसेशन चल रहा है, तो ये रिसेशन अभी ख़त्म हुआ ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन जो है कि कुछ हद तक इस सेक्टर में एक सुधार हम लोग को देखने को मिल रहा है, खास करके बाहर के देशों में इसमें सुधार हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ काम अच्छा करे, लेकिन अभी के हालात अगर हम लोग देखेंगे तो ये कोई इतने उत्साहित करने वाले नहीं है। तो जो IPO आ रहा है, जो आज से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 30 तारीख तक खुला रहेगा, 731 करोड़ की इसमें नई मतलब IPO का साइज 731 करोड़ का, इसमें से 56 करोड़ सिर्फ नई इक्विटी आने वाली है, 675 जो करोड़ का जो है वो जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना इक्विटी को डाइल्यूट कर रहे हैं। 10 रुपये का ये शेयर है फेस वैल्यू इसका, 880 से लेके 900 तक की इसकी बैंड वैल्यू है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 731 करोड़ में से सिर्फ 35 करोड़ ही ये अलॉटेड है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि करीब करीब 220, 225 करोड़ जो है ये पब्लिक के लिए खुला है। तो ये हिसाब से काफ़ी छोटी कंपनी है और छोटी इशू है, और इसीलिए इसमें एक हम काफ़ी उत्साह देख रहे हैं। लेकिन मैंने आपके सामने अच्छी और बुरी दोनों बातें को रख दिया है, अब आपको ये चूज़ करना है कि आपको इसमें से क्या करना है। तो मेरी जो राय है, अगर आपको पैसे लगाना है तो आप अपने रिस्क पे लगाइए पैसे, और लिस्टिंग गेन में आपको कुछ गेन हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की राय इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये था IPO रिव्यू रोलेक्स रिंग्स का, और मुझे आशा है कि आपको ये सुनने के बाद में डिसीजन लेने में कुछ हेल्प होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसके आगे का काम आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।